मेरा नाम शरद प्रताप सिंह है। मैं कक्षा 5वीं बा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो कोई बांट ना पाएगा और नहीं बढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। चला गया जो स्वर्णिम अवसर, चला गया जो स्वर्णिम अवसर, लौट कभी ना आएगा और नहीं बढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा, जीवन भर पछताएगा। देख नौकरी साथी की तू, देख नौकरी साथी की तू, बहुत चक्का रह जाएगा और नहीं बढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। पूरी दुनिया घूम सकोगे ये विश्वास दिलाता हूँ, लक्ष्य आज तुम एक बनाओ यही बात समझाता हूँ। कल पर कोई काम न डालो, कल पर कोई काम न डालो, ये प्लान धरा रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। एक कदम आगे जो आया आगे बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में तुम ना आना, व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में तुम ना आना, चैटिंग चैटिंग और ट्विटर का सारा खेल चला है मनमाना, चैटिंग और ट्विटर का सारा खेल चला है मनमाना। माता पिता को के कर्ज को क्या तू यूं ही झुटलाएगा, माता पिता के कर्ज को क्या तू यूं ही झुटलाएगा, ओल्ड हाउस में माँ को रख कर सुखी नहीं रह पाएगा, ओल्ड हाउस में माँ को रख कर सुखी नहीं रह पाएगा, नहीं पड़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। घर घर में बूढ़ी माँ की आंखें, घर में बूढ़ी माँ की आंखें खुशी से नम हो जाएगी, और बहन खुशी से नाचेगी और गले लिपट हो जाएगी, और पिताजी का सीना 56 इंची हो जाएगा। जिस दिन बेटा कामयाब होकर अफसर बन जाएगा, बस कुंभकर्ण की जैसे ना सोना, बस कुंभकर्ण के जैसे ना सोना, कोई नहीं जगाएगा, नहीं पढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो, शिक्षा एक ऐसी पूंजी जो कोई बांट ना पाएगा, नहीं पढ़ेगा, जो कोई बालक जीवन भर पछताएगा। धन्यवाद।